साइंस पेपर सेशन 2023-2024 यानी कि 2024 वाले ईयर में जो क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और ये चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स के लिए क्लास 9 का जो साइंस का पेपर है वो सेम था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो था वो था, पूछा गया था कि द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इन केस ऑफ, तो इसका आंसर आएगा सस्पेंशन। अच्छा, डू नॉट सेटल डाउन है तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल यानी कि बोथ ए एंड बी, कोलोइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन, तो गैसेस में सबसे जल्दी जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, एटम्स आर बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी फील और टच। तो एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, ये फॉल्स है। इसमें जैसे हीलियम का एटम है, देखिए ये किसी से रिएक्शन नहीं करता तो ये अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये। क्वेश्चन नंबर 4 था कि एक एटम उसमें 5 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसकी वैलेंसी बतानी थी। 5 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 5 होंगे, तो 2.3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये इसको पूरा फुलफिल कर लेगा, तो इस तरह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल में, तो उसे सेल सैप कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। उसके बाद देखिए, लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, द टिश्यू दैट हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस, तो इसका आंसर आ जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 था कि एक कार है वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करती है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ, उसके बाद टर्न करती है राइट की तरफ, तो ये 5 किलोमीटर और फिर राइट की तरफ 3 किलोमीटर। द कार अगेन टर्न्स राइट, इसके बाद फिर से राइट टर्न करती है और 1 किलोमीटर और चलती है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, तो डिस्टेंस हो गया 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9, तो डिस्टेंस हो गया 9। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप, तो ये स्टार्टिंग की पोजीशन और ये फाइनल, तो ये डिस्प्लेसमेंट है देखिए ये वाला, इसको रेड कलर से बना लेते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब ये निकलेगी कैसे, ये अगर देखिए ऊपर 3 है तो नीचे भी ये 3 होगा, और ये टोटल 5 है तो उसमें से एक लेस कर देंगे आप ये, तो टोटल कितना बचेगा ये वाला 4, तो 3 और 4, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5, तो डिस्प्लेसमेंट 5, ऑप्शन बी। उसके बाद है टूरिस्ट बस, लगेजेस आर टाइड यूजिंग स्ट्रिंग एट द टॉप ऑफ टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, बसों पे जो सामान बांध के रखा होता है ताकि सामान ब्रेक लगने पे गिर ना जाए, या फिर जब चल रहा है बस चल रही है तब गिर ना जाए, तो ये इनर्शिया के इफेक्ट को या इनर्शिया के इफेक्ट की वजह से सामान बांधा होता है। तो अगला क्वेश्चन कहाँ गुम हो गया, ये रहा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी की जो है इक्वेटर और पोल्स पे सेम तो नहीं होगी, देखिए इक्वेटर और पोल्स की अगर हम बात करें तो इक्वेटर की रेडियस है ज़्यादा, और पोल्स की रेडियस होती है कम, और जी इज इक्वल टू
gm अपॉन आर स्क्वायर। तो रेडियस और ग्रेविटी में इनवर्स रिलेशन है, इसलिए इक्वेटर पर कम होगी। तो सी आंसर आ जाएगा, लीस्ट ऑन इक्वेटर। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे करता है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, तो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वन वेवलेंथ होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पस, तो कैटल हस्बेंड्री क्यों की जाती है? मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल वर्क, एग प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन आ जाएगा। अ गोलकीपर इन अ फुटबॉल गेम पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, तो ऐसा वो क्यों करता है? तो डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डिक्रीज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14, जैसे कि कहा गया था कि न्यूरॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ना कुछ उससे आता है, तो उससे रिलेटेड देखिए आ गया डायग्राम से रिलेटेड। ये पूछा था कि नर्व सेल में कौन सा नहीं होता है? एक्सोन डायग्राम में आपको पता होता है नर्व एंडिंग्स होती है, डेंड्राइट्स होता है, टेंडन्स नहीं होते। तो सी इसका आंसर है। अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अप थ्रस्ट ऑन इट इज, तो इसको वाटर में रखा है तो इज इक्वल टू वेट ऑफ द वुड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर किसी लकड़ी को पानी में रख देंगे अंदर, तो जितना लकड़ी का वेट है अपथ्रस्ट जो है कितना लगेगा, तो जितना लकड़ी का वेट होगा उतना लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना था, तो 273 ऐड करते रहना था, 273 ऐड करेंगे सब में ही तो 298 बन जाएगा, फिर 273 और ऐड करेंगे 38 में तो 311 के आसपास आएगा आंसर। ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। असर्शन रीजंस की बात करते हैं। 12 ग्राम ऑफ ए कंबाइन विद 20 ग्राम ऑफ बी, द प्रोडक्ट ए बी का जो मास है वो 32 ग्राम होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। जी हाँ, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वायरसेस डू नॉट शो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन, तो वायरसेस जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ शो नहीं करते, और वायरसेस की बात करें मेम्ब्रेन की तो मेम्ब्रेन नहीं होती उनकी। तो ये कह सकते हैं कि वायरसेस में लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्योंकि पास मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है, इसलिए। तो इसका आंसर ही हो जाएगा ए। एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ विद द सेम एक्सेलरेशन, ग्रेटर द मास ऑफ प्लैनेट ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सर्फेस। जी हाँ, हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ सेम एक्सेलरेशन से गिरता है, ये तो ट्रू है, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, और रेजिस्टेंस सॉरी ग्रेटर द मास ऑफ प्लैनेट, क्योंकि याद कीजिए जी की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर होती है, अगर एम की वैल्यू ज़्यादा है यानी कि मास ऑफ प्लैनेट ज़्यादा, तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो रीज़न भी करेक्ट है, पर रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 का, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन अ डेफिनेट रोज और पैटर्न्स इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। जी हाँ, दोनों मुझे लग रहा है करेक्ट हैं, और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, शायद डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। जी हाँ, तो डेफिनेट पैटर्न लगाते हैं तो उसे इंटरक्रॉपिंग कह देंगे हम, और प्री प्लांट सक्सेशन में जब हम अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं इसे क्रॉप रोटेशन। तो दोनों आंसर्स, अरे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। सेक्शन बी में ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था कि एक डाइवर जो है वो पानी को काट सकता है, तो ये इशारा करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें स्पेस होता है,
लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेस को कैसे हम लिक्विफाई कर सकते हैं, तो आपका चैप्टर वन या चैप्टर टू में जो है वो आंसर है डायरेक्ट इसका, देखिए। और स्मेल ऑफ परफ्यूम दूर तक क्यों आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो परफ्यूम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। और वैसे भी जहाँ हम उसको छिड़कते हैं तो इवेपोरेट होके उसको जो है एक तरह से एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद देखिए, विद विच नेम इज़ द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, तो ये इवेपोरेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण। और ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है डायरेक्टली, देखिए मास परसेंटेज निकालना था, तो 40/320 × 100 यहाँ सॉल्व करके इसका आंसर आया था, आपकी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहते हो, पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोर्क कैसे प्रोडक्टिव टिश्यू काम करता है। उसके बाद तीन सॉलिड्स थे, एल्यूमिनियम स्टील और वुड, ऑफ सेम शेप एंड सेम वॉल्यूम, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो जिसकी डेंसिटी कह लीजिए ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो एल्यूमिनियम आ जाएगा मेरे ख्याल से आंसर, स्टील से ज़्यादा एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 में स्टील आएगा, स्टील की डेंसिटी ज़्यादा है। बायोन्सी के बारे में आपको बताना था। उसके बाद और इसमें एक डायग्राम बना के दिखाना था, टू फोर्सेस एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग हाफ इमर्ज इन अ लिक्विड, मान लीजिए आधा तैर रहा है और आधा डूबा हुआ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बायोन्सी ऊपर लग रहा है और इसका वेट नीचे लग रहा है, तो ये दो फोर्सेज आपको दिखा देने थे, ऊपर वाले को आप बायोन्सी लिख दीजिए और नीचे वाले को वेट। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 7 था, तो इसके एल शेल में, तो एल शेल याद कीजिए के एल, तो पहले 2 और ये 7, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7+2 9, वैलेंसी कितनी जाएगी 1, एलिमेंट पहचानिए, तो 2+7 9 यानी कि फ्लोरीन, 9th नंबर में फ्लोरीन आता है, तो इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का डायरेक्टली ये करवाया गया आपको, सॉरी ठीक है, तो बुक में से आपको डायरेक्टली इसका मिल जाएगा। तो मून पे अगर आपका फ्रेंड है तो उसकी आवाज़ आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है ना साउंड ट्रैवल करने के लिए। लाउडनेस डिसाइड होती है एम्पलीट्यूड से, पिच डिसाइड होती है फ्रीक्वेंसी से। टिंक्चर ऑफ आयोडीन सोडा वाटर, इन सबकी डेफिनेशन लिखनी थी। बाकी क्वेश्चंस तो देखिए डायरेक्ट हैं, डीएनए कहाँ मिलता है, डीएनए के काम और ग्रेन्स के लॉसेस वगैरह, सेक्शन डी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वगैरह डायरेक्ट क्वेश्चंस, आयंस क्या होते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटोमिसिटी, एनिमल सेल का डायग्राम, सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद वर्क निकालना था, तो वर्क इसमें देखिए आ जाता है ऐसे, हाफ एम वी स्केयर माइनस यू स्केयर, तो एम की वैल्यू इसमें आप भर देंगे 1000 और वी आपका हो जाएगा 0, क्योंकि बाद में कार रुक गई है, और अभी इसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 आ जाएगा, तो यू की वैल्यू 20 और उसका स्क्वायर ये हो जाएगा 500, तो फाइनल आंसर 500 - 20 का स्क्वायर, तो 500 × 400 5 4 = 20, फाइनल आंसर आएगा 20 और 1 2 3 4 जीरोस जूल नेगेटिव में। बाकी वर्क की डेफिनेशन वगैरह, उसके बाद कार और ट्रक की सेम स्पीड है, देयर मासेस आर इन दिस रेशो, तो इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो कैसे आ जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ एम वी स्क्वायर,
इसमें कहा गया था दोनों हाफ से हाफ कट जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी बस की और कौन था, चलिए जो भी था, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना था, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड करेंगे, हाफ से हाफ कट जाएगा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम थी तो वो भी कट जाएगी, एम वन अपॉन एम टू बचेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, एम वन अपॉन एम टू है, और वो कितना दे रखा है हमें, 1:3, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जब हमने रेशियो निकाला तो हाफ से हाफ कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, तो एम वन अपॉन एम टू यानी कि 1:3 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद हमारे पास सेक्शन ई था, तो इसमें वही है कि क्या था हमारे पास, इसमें ड्राई ड्रेजिन्स जैसे ये सब पानी में डालेंगे तो वो फूल जाते हैं ना, पानी उसमें चला जाता है, लेकिन कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो पानी निकल जाएगा उसमें से, इसलिए वो पिचक जाएंगे या यूं कह लीजिए श्रिंक हो जाएंगे। और हाँ ये कर लेते हैं एक बार, तो बोहर के हिसाब से जो रूल ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एनी शेल इज गिवन बाय 2n2, जी हाँ ये फॉर्मूला ठीक था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, जी हाँ ये भी ठीक था, तो बताना क्या था इसमें हमें, अच्छा आंसर ये तो ये था, व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग एन शेल, तो एन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे देखिए, तो एन में के एल एम एन 1, 2, 3, 4, तो फोर्थ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप 2n² वाला फॉर्मूला लगाइए, तो 2n² का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, तो कैपेसिटी कितनी है n शेल की 32, वो अलग बात है उसमें आएंगे या नहीं आएंगे डिपेंड करता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो लास्ट में 8 ही भर सकते हैं। उसके बाद बताना कि एलिमेंट के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है और एम में 3 है, तो 13 टोटल हो गए, 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद विच ऑफ द टू वुड बी केमिकली मोर रिएक्टिव, एक 18 वाला है और एक 16 वाला है, 18 की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और 16 की 2 8 6, ये वाला रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा, इसके लास्ट में पूरे 8 भरे हुए हैं, ये कर सकता है, ये रिएक्शन करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसके अभी लास्ट में 8 पूरे नहीं है, तो हम कह देंगे कि इसकी वैलेंसी 0 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट था कि साउंड वेव्स कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका, लाइट की बात करेंगे तो लाइट कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, तो चलिए ये क्वेश्चन पेपर लगभग हमने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, एमसीक्यूज मुझे लगे कि थोड़े टफ, थोड़े कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े आपको मुश्किल लगेंगे, थोड़े क्या मतलब 50% के आसपास क्वेश्चंस, हाँ उसके बाद जो सेक्शन बी था वो ईजी था, वो आपको पास करवा सकता है ईजीली, क्योंकि सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे डायरेक्टली बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ओवरऑल अगर एक सेक्शन मुश्किल आया तो बाकी कुछ सेक्शंस इजी भी रखे गए थे, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये पेपर इजी तो नहीं था बट एवरेज कहा जा सकता है, बहुत मुश्किल भी नहीं कहा जा सकता। चलिए तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो, अगले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।